बश्मी रहमान रहीम असल हेलो अरे वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्राम लिटरी थी साइको एनाटिकल थीरी लिटरी थिरी पर ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की है जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म रशियन फॉर्मलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म रीडर रिस्पॉन्स थीरी सो इन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा साइको एनालिटिकल थीरी में हम बात करेंगे लाइक द मेन फिगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर दैट इज़ सेगमेंट फ्रॉइड कि उसका क्या कन्सेप्ट था साइको एनालिटिकल थीरी से रिलेटेड और इड ईगो सुपर ईगो का क्या कंसेप्ट है इसमें इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड को सो टाइम क्वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड सीगमेंट पार्ट जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और इसने ह्यूमन माइंड पे काफ़ी वर्क किया है लाइक like, इसका मानना था कि इंसान के जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होते हैं अब जो पर्सन अपने थॉट से अवेयर होता है उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और जो पर्सन अपने थॉट से अवेयर नहीं होता मींस इफ़ ही इज़ अन अवेयर ऑफ हिज डिज़ायर्स एंड हिज थॉट्स, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड देन अकॉर्डिंग टू सिगमेंट रॉय ड्रीम्स वर अ विंडो टू द अनकॉन्शियस माइंड के जो ड्रीम्स हैं ये एक विंडो है अनकॉन्शियस माइंड के लिए अब ऐसे कैसे लाइक ही एनालाइज़ दम एंड यूज सिम्बल्स इन ड्रीम्स टू अंडरस्टैंड वट देर रिवील अब इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा रोल जो है अनकॉन्शियस माइंड का होता है जो आपके रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते जो आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह बाहर आ रहे हैं किसी मीडियम के थ्रू और वो मीडियम क्या है आपका लिट्रेरी वर्क हो सकता है या आपका बुक और सेगमेंट पॉइंट जो है कंपेयर करता है लिटरेरी वर्क को ड्रीम्स के साथ फिर इसमें इड ईगो और सुपर ईगो आ जाते हैं इड ईगो और सुपर ईगो को हम आगे देखेंगे लाइक फर्ड थॉट दैट द माइंड वाज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स यहाँ पे भी डिस्कस किया गया द इड ईगो एंड द सुपर ईगो अब ये तीनों को जो है हम स्क्स वाइज देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि इड सुपर ईगो और ईगो है क्या सो so, ये थोड़ी सी एक्सप्लेशन है यहाँ से जो है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है कि व्हाट इज इट द इट इज़ द प्रमेटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी द इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस दैट कंटेन्स दर्थज एंड इम्पलाइज इम्पल्सिस इंक्लूडिंग वट इज कॉल्ड द लिबेडो अ काइंड ऑफ जनरलाइज सेक्शुअल एनर्जी दैट इज यूज फॉर एवरीथिंग फ्राम सर्वाइवल इंस्टेंट्स टू ऑफ आर्ट द इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्टॉन्ड फॉर इट ओनली टू रिस्पॉन्ट फ्रॉल्ड द प्लेयर प्रिंसिपल इफ़ इट फील्स गुड डू इट नथिंग एल्स अब इड किसे कहते हैं इड में हमारे बेसिक नीड्स की बात की गई है लाइक सेक्शुअल डिज़ायर्स आपके उन बेसिक नीड्स में आते हैं इड में जो है हमारे जो बेसिक नीड्स की बात की गई है लाइक सेक्शुअल डिज़ायर्स आपके उन बेसिक नीड्स में आते हैं आप कोई भी अगर वीडियो देखते हो या किसी को देखते हो तो आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं एरोज होते हैं लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हो क्यों क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क या सोसाइटी में रहते हो जो जो आपको इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने से रोकती हैं या आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं जो फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी तो आप क्या करेंगे आप कोई नावल पोएम या स्टोरी लिखेंगे तो उस पोएम उस स्टोरी उस नावल में मेरे या आपके जो रिप्रेस्ड डी सेक्शुअल डिज़ायर्स थे जो आपने स्टॉप किए थे वो आगे आएंगे वो मेरे इंटेंशंस नहीं है अनटेंशनली क्योंकि वो मेरे माइंड में है वो पहले से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं या अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे लिट्रेरी वर्क में आएंगे तो फिर सेगमेंट फ्राइड कहता है कि कोई भी करेक्टर हो जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं किसी भी नावल में वो जो है राइटर की रिप्रेजेंटेशन है न्यूरोसिस की राइटर की माइंड की राइटर की साइकोलॉजी की देन अगेन क्या कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेड लाइक बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनलिटी प्रेजेंट एट बर्थ इंक्लूडिंग द सेक्स लाइफ इंस्टेंट एट रोज विच कंटेन्स दिबेडो एंड द एग्रेसिव डेथ इंस्टेंट टनिटोज तो द इट इज़ द इम्पलिसिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर जैसे हमने अभी बात की कि यह अनकॉन्शियस पार्ट होता है ऑफ आवर साइकी साइकी मीज लाइक माइंड विच रिस्पॉन्स डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्ज नीड्स एंड डिज़ायर दर्सनैलिटी ऑफ न्यू द न्यू बॉर्न बेबी सो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि इंसान का डेवलप पार्ट जिसको हर तरह की प्लेयर कम पार्ट या आराम चाहिए उसे इट कहते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी में बर्थ रहता है और ये अनकॉन्शियसली पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी uh, का लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेयर जिसको प्लेयर uh, चाहिए होता है जिसको खुशी जिसको मतलब ये अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है इसीलिए इसको डेवल पार्ट कहंगे तो ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल्स ये बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इट किसी भी डिज़ायर को बहुत जल्दी से सेटिसफाई करने के लिए हुमेन माइंड को ट्रैगर करता है और अगर ये राइजिंग डिज़ायर्स जल्दी से सटिस्फाइड नहीं होती तो ये एनजाइटी या टेंशन में चेंज हो जाती है मसलन एक छोटा सा बच्चा उसको कुछ चाहिए होता है तो वो रोता है और जब इट की डिमांड को फुलफ़िल कर दिया जाता है तो वो खामोश हो जाता है और बच्चे में इट जो है सबसे ज़्यादा होता है और इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये इड जो है कम होता जाता है और मॉरल्टी बढ़ती जाती है अगर ऐसा ना हो तो इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि क्यों ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि अगर जो चीज़ आपकी पूरी नहीं होती तो ओबियसली आप उसके लिए लड़ेंगे तो इस तरह फिर तो जंगे ही जंगे होंगी तो इट के आगे फिर एक और आता है लाइक ईगो सुपर ईगो आगे हम देखेंगे और लाइक हम बात करें कि ये इंसान के लिए जो है बड़ा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि अगर इसे कुछ चाहिए होगा तो वो डायरेक्ट उससे लेने की कोशिश करेगा और इससे इंसान आपस में लड़ सकते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे मर्डर रेप स्टीलिंग वगैरह ये सब इट का ही नतीजा होता है जो इमीडिएट सेटिसफेक्शन मींस इनको चाहिए होता है लाइक ये जो लोग चोरी करते हैं रेप करते हैं मर्डर करते हैं ये क्या होती है ये इट की वो निशानी होती है मतलब इन्हें प्लेयर चाहिए होता है उस वक्त ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो इड में जो है ये एक डेविल पार्ट है इंसान की पर्सनालिटी का सो आई होप आपको इड की समझ आई होगी डाइट यहाँ पे मैंशन कि इट इज़ अ सेल्फिश एंड विशफुल इन नेचर अब बात करते हैं ईगो की द ईगो इज द पार्ट ऑफ इड विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाई डायरेक्ट इन्फ्लुंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ये फ्रॉड का कहना है पहले हम इस सब को पढ़ते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं द ईगो इज द ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्शियस पर्सनैलिटी तो ये कॉन्शियस पर्सनैलिटी का पार्ट इट्स इट द पर्सन इज अवेयर ऑफ वन दे थिंक अबाउट दमसेल्स एंड इज वाट दे यूजअली ट्राई टू प्रोजेक्ट टूवर्ड्स अदर लाइक द ईगो डिवेलप टू मीडिएट बिटवीन द अन रियलिस्टिक एड एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड इट इज़ द डिसशन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी आइडलीज द ईगो वर्क्स बाई रीज़न सो अब ईगो क्या है तो so, ईगो जो है रियलिटी पर बेस होती है और ये कॉन्शियस माइंड का एक फीचर है इसमें ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है रियलिटी से डील करती है इसमें इड को सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के थ्रू सेटिस्फाइड किया जाता है और ये इड और सुपर ईगो को कंट्रोल करती है बैलेंस बनाए रखती है द ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसपल लाइक ये रियलिटी पे बेस होती हैं सो so इसमें भी वही चीज़ें डिस्कस की गई है लाइक वर्किंग आउट द रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिसफाइंग द इड्स इड्स के जो डिमांड हैं उसको सेटिसफाई करने के लिए ओपन कम्प्रोमाइजिंग और पोस्ट वर्निंग सेटिसफेक्शन टू अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसिस ऑफ सोसाइटी द ईगो कंसिडर सोशल रियलिटीज़ एंड नोम एथिक्स एंड रूल्स तो इन सब में ये ईगो में सब ये ईगो में जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती है लाइक नोम्स एथिक्स रूल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव कि आपने किस तरह बिहेव करना है लाइक द इड ईगो सिक्स प्लेयर टेंशन रिडक्शन तो ये अगेन उस चीज़ की बात की गई है अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं ये लाइक फ्रॉड मेड द इनोलॉजी ऑफ द इड अ हॉर्स वाइल द ईगो इज़ द राइडर द ईगो इज़ लाइक अ मैन ऑन हॉर्स बैक विच हैज़ टू होल्ड इन चेक द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स अब इसका क्या मतलब है कि इड और सुपर ईगो का फ्रॉयड जो है इड को घोड़े से कंपेयर करता है और ईगो को जो है हॉर्स राइडर से कंपेयर करता है हॉर्स राइडर को स्पीड और मोशन देता है जबकि राइडर जो है हॉर्स को सही डायरेक्शन देता है बिना राइडर के हॉर्स जहाँ मर्जी चला जाता है और जो कुछ उसे अच्छा लगेगा वही करेगा लेकिन राइडर हॉर्स को जहाँ चाहेगा वहाँ ले जाएगा मतलब ईगो जो है इट को कंट्रोल करती है सिंपल जो है सिंपल मतलब इसका ये हुआ कि जो ईगो है वो इट को कंट्रोल करती है इट जैसे मैंने बताया कि इट जो है फ़ौरन सेटस्फेक्शन चाहिए उसे लाइक वो कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि आ, लोग जो चोरियाँ करते हैं मर्डर करते हैं रेप्स करते हैं ये क्या होता है ये इट की तो निशानी होती है मतलब उन्हें उस वक्त प्लेयर चाहिए होता है और वो ये काम कर लेते हैं अब अगर वो कंट्रोल करते हैं तो इसे कंट्रोल कराने वाले कौन है ईगो है ईगो जो है इसको कंट्रोल करती है फिर उसके बाद सुपर ईगो की बात करते हैं सुपर ईगो क्या है द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मोरल्स ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न फ्राम द अदर्स पेरेंट्स एंड अदर्स सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सुपर ईगो है क्या <coughs> क्योंकि अगर मैं इसको रीड आउट करूंगा तो वीडियो विल बी टू लॉन्गर सो so, सुपर ईगो का काम है इट को कंट्रोल करना होता है ये भी इट को जो ही कंट्रोल करता है सुपर ईगो भी इट को कंट्रोल करता है और ये एंजल पार्ट होता है लाइक हम कह सकते हैं फ़रिश्ता जो होता है बिल्कुल उस ये वो पार्ट होता है इंसान के माइंड का एंजल पार्ट होता है हुमेन साइकोलॉजी के सारे जो अच्छे काम होते हैं सुपर ईगो की बदौलत होते हैं फ्रॉयड का कहना है फ्रॉयड कहता है कि जो सुपर ईगो होती है वो इट को एक्सप्रेस करने का या उसे गेन करने का एक तरीका होता है मॉरल वे में मतलब अगर सोसाइटी में हमारी कोई डिजायर्स होती है तब हम उसका एक तब हम उसको एक रूल को फॉलो करते हैं ना कि उसे डायरेक्ट किसी से छीन लेते हैं अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल हम देखें अगर हमें कोई बाइक चाहिए चाहिए होती है तब हम वो किसी बाइक ओनर से छीनने छीनते नहीं हैं हम एक रूल को फॉलो करते हैं पैसा कमाते हैं तब जाके बाइक ख़रीदते हैं सुपर ईगो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमारा नज़रिया बनाता है जैसे एटीट्यूड जिसे एटीट्यूड कहते हैं कि ये अच्छा है ये हमारे लिए बुरा है ये काम करना हमारे लिए अच्छा है और ये काम का ये नतीजा हो सकता है ये काम का ये नतीजा हो सकता है ये हमारे बिहेवियर को सिविलइज्ड बनाता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर से इमीडिएट सेटिसफेक्शन की डिमांड होती है वो ओबियसली क्या होती है इट की होती है जिसको इमीडिएट सेटैक्शन चाहिए होती है ये उसको कंट्रोल करता है सुपर ईगो जो है उसको कंट्रोल करता है और सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखता है तो ये भी लाइक अनकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा है तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जितनी भी चीज़ें हैं हमने डिस्कस कर दी है मतलब ये देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है कि और प्रोहेबिशन दैट आर इशूड मोस्टली अनकॉन्शियस इज द नॉम ऑफ कमांड्स और डोंट स्टेटमेंट्स मतलब ये आपको चीज़ों से रोकती है अगर आप हुक्म भी देते हो कि मैंने ये काम करना है अपनी बॉडी को तो ये पहले इसके माय मतलब आपके फिर माइंड में एक और चीज़ आती है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या ये आ, मेरे लिए अच्छा होगा इसका नतीजा बुरा हो सकता है अच्छा हो सकता है ये चीज़ें आप देखते हो द सुपर ईगो फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द इड्स इम्पल्स इस्पेली दो दैट सोसाइटी फॉरवर्ड्स यही चीज़ें जो हैं मतलब अगर आप कोई काम करेंगे तो ओबियसली आप ये भी सोचेंगे कि यार ये सोसाइटी के लिए बेहतर है ये बुरा है ये अच्छा है ये मुल्क के लिए अच्छा है ये बुरा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सुपर ईगो बताती हैं Like sex and aggression, it also pursues the ego to turn moralistic goals. ये aapko moralistic bhi banata hai Rather than simply realistic ones, and strives for perfection. The super ego consists of two systems. ab इसका do system है. एक uh, cons uh, uh, conscience and the ideal self. <coughs> the conscience जो है, इसको inner voice भी कहते हैं. That tells us what we have done something wrong. मतलब जब आप कुछ गलत करते हो, आप guilty feel करते हो. उसको हम क्या कहते हैं? Conscience. और इसी तरह आइडियल सेल्फ जो है इसको ईगो आइडियल भी कहते हैं एज एन इमेजरी पिक्चर ऑफ़ हाउ यू ऑट टू बी एंड रिप्रेजेंट्स करियर इंस्पायरेशन हाउ टू ट्रीट अदर पीपल मतलब आप इसमें ये देखते हो कि लोगों को किस तरह ट्रीट करना है एंड हाउ टू बिहेव एज अ अम्बर ऑफ सोसाइटी कि आपने कौन सा बिहेवियर अडोप्ट करना है अगर आप किसी भी सोसाइटी के मेम्बर हों अब साइको अनालिटिक थीरी है क्या साइको अनिलिटिक थीरी ये जो थी सेगमेंट फ्रॉइड ने दी थी ठीक है और सेगमेंट फ्राइड ने साइकोलॉजी पे फोकस किया था ब्रेन जो है हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर है और माइंड जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये तीरी आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड है मतलब इसमें जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड थी है क्योंकि इसीलिए इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है सेगमेंट फ्राइड को और इनमें ये बताया गया है इस थीरी में ये बताया गया कि राइटर्स के क्या इंटेंशनस है इंटेंशनस इंटेंशन से मुराद वो आइडियाज़ वो थॉट्स जो वो नहीं बताना चाहता आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत सी चीज़ें नहीं बताना चाहते अब जब वो नहीं बताना चाहता लोगों को मतलब आइडियाज़ थाट्स को अपने वर्क में मेंशन नहीं करता और वो डिज़ायर जो है रिप्रेस्ड होते हैं तो सेगमेंट वर्क का कहना है कि जो आप कर रहे हो कॉन्शियसली कर रहे हो लेकिन अगेन कहता है कि नो सबसे बड़ा रोल जो है अनकॉन्शियस माइंड का होता है जो आपके रिप्रेस डिज़ायर्स होते हैं जो जिनको जो, वो डिज़ायर्स जो जिनको आपने दबाया होता है अपने अंदर जो रिप्रेस डिज़ायर्स है ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते जो आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह बाहर आ रहे हैं किसी मीडियम के थ्रू और वो मीडियम क्या है आपका लिटरेरी वर्क हो सकता है आपका बुक हो सकता है और सेगमेंट प्रोडक्ट जो है कंपेयर करता है लिटरेरी वर्क को ड्रीम्स के साथ अब ये ड्रीम्स जो है हम एक और वीडियोस पे देखेंगे कि वीडियो में मतलब उस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँ कि ड्रीम्स से रिलेटेड जो है सेगमेंट वर्क का क्या कंसेप्ट था और इसमें फिर पाँच पार्ट्स भी इसके आ जाते हैं तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मतलब वो जो लिटरेरी वर्क को ड्रीम्स के साथ फिर जिसमें इड ईगो सुपर ईगो जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया ये आ जाते हैं यहाँ पे जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एग्जांपल ये है कि अगर सपोज़ आप किसी मुल्क जाते हो किसी भी मुल्क जाते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो अगर आप हर्ट होते हो किसी चीज़ से आप अपनी ज़बान में कुछ ऐसे वर्ड्स मुँह से निकालेंगे जैसे लाइक समाइम्स वी पाकिस्तानी या इंडियस क्या करते हैं कि जो वर्ड्स जब हम हर्ट होते लाइक like, हाय मम्मा या उफ ये इस तरह वर्ड्स जो हैं वगैरह वगैरह जो है हम अपने मुँह से निकालते हैं तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और सब माइंड में है इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्शियस वाला जो भी हम करते हैं मतलब अनकॉन्शियस जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आ, मतलब जो भी हम करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड का होता है अब जो फीलिंग्स जो डिज़ायर्स मैंने दबाए हुए हैं उस पर वो जो है मैं राइटिंग के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करूँगा और सेगमेंट वाइड का ये भी कहना है कि जो फीलिंग्स या डिज़ायर्स हमने रिप्रेस की होती हैं वो जो है ड्रीम्स के फॉर्म में आते हैं लाइक वट एवर वी रिप्रेस इन आवर लाइफ इन आवर रियल लाइफ कम्स इन आवर ड्रीम्स तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िकरा है कि वट एवर वी रिफ्रेस इन आवर रियल लाइफ कम्स इन आवर ड्रीम्स लाइक इंटरप्रटेशन ऑफ ड्रीम्स बाई सेगमेंट ब्राइड ये एक बुक है इसकी इंटरप्रटेशन ऑफ ड्रीम्स उसमें है ये सेंटेंस उसके बाद अगर देखें तो इसमें आगे जो है लाइक साइको अनिलिटिक्रिटिसम कैन सिंपली बी डिफाइंड एज एन अप्रोच या अगेन लाइक like, दो डिफिनेशन है एक पिछले स्लाइड में थी और एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये है तो इसमें भी यही बताया गया कि साइको एनालिटिक मैथड जो है एक्सप्लोर करता है ह्यूमन साइकी को और ये मैथड जो है यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट आर्ट के पीछे की छुपी हुई या दबी हुई डिज़ायर्स को या मीनिंग्स को जानने में कभी कभी क्या होता है इंसान इतनी अच्छी तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता सोसाइटी के बीच में नहीं रख पाता हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से या फिर सोशल स्ट्रक्चर की वजह से अब सोशल स्ट्रक्चर में आपके सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं जो कंट्री के रूल्स होते हैं जो आपके घर वालों के रूल्स होते हैं सो so, उसकी वजह से हम अपने डिज़ायर्स को या अपनी इमोशन ज़्यादा दिनों तक अपने आप में दबाए नहीं रख सकते और ये चीज़ें हमारी माइंड से बाहर आने का रास्ता ख़ुद ढूंढ लेती हैं जैसे हमारे फेशल एक्सप्रेशंस जेस्चर्स राइटिंग्स आर्ट ये सारी यही वेज हैं जिनके थ्रू हम अपने इंटरनल या अपने इंटरनल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते इसका मतलब है कि एक राइटिंग जो है एक्सप्रेस करती है राइटिंग राइटर के डिज़ायर्स या इमोशंस को जिन डिज़ायर्स या इमोशंस को वो सोसाइटी में खुले या डायरेक्ट वे से नहीं बोल सकता नहीं रख सकता इसके पीछे बहुत सारे होते हैं तो इसमें मेन रीज़न जो है सोशल स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर से मरा जिसमें हमारी सोसाइटी हमारी मोरलिटी बहुत से बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही रोक लेती है मतलब हमारी जो मोरलिटी है हमारी जो सोसाइटी है वो जो हमारे माइंड में होता है जो हमारे दिलों में होता है वो बहुत सी चीज़ों को अंदर ही रोक लेती है बाहर आने से जो हमारी कॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती है वो सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती अब उनका या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को बाहर आने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है और वो लैंग्वेज होती है आर्ट राइटिंग और ये डिज़ायर्स जो है अपनी लैंग्वेज ख़ुद ही इन्वेंट करती हैं लाइक इन सिंपल साइको अनिलिटिक क्रिटिसिजम एक्सप्लोर और एक्सप्लें द लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस और फाइंड्स आउट द हिडन और सप्रेस्ड डिज़ायर्स इन लिटरी कल्चरल टेक्स सच एज आर्ट पेंटिंग टेक्स्ट ई टी सी और फिर साइको एनालिटिक जो है क्रिटिसिज्म अपनी इन्हीं को तलाश करने का काम करती है साइको एनालिटिक जो, है जो होती है जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म होती इन्हीं को तलाश करने का काम करती है यानी कि उन्हें सप्रेस्ड और डिज़ायर्स को फाइंड आउट करने का, का काम करती है और इसमें फिर ये कि द की कंसेप्ट आर यूज इन साइको एनाटिक इंक्लूड बट अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मतलब साइको अनालिटिक थ्री में आपको देखने को जिसमें अनकॉन्शियस रिप्रेशन रिप्रेशन से मुराद लाइक आपके जो डिजायर्स होते हैं वो रिप्रेस्ड रहते हैं अंदर सब्लिमेशन सब्लिमेशन सुपर ईगो इड ये सब हमने डिस्कस किया इन्फेंटियल सेक्शुअलिटी लाइक इडिपस कॉम्प्लेक्स लिबेडो इडिपस कॉम्प्लेक्स का आपको पता होगा कि जो अपनी एडिपस रेक्स पड़ी होगी उसमें जो लाइक आ, आपके जो हैं लाइक आ, आप क्या करते हैं जो लड़की होगी वो ज़्यादा एट्रैक्ट होती है अपने फ़ादर की तरफ और जो लड़का होगा वो कम एट्रैक्ट होता है अपने मतलब वो एट्रैक्ट ज़्यादा होता है अपने मदर की तरफ तो ये जो है एडिपस कम्प्लैक्स हैं जिसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी शादी अपनी इवन अपनी मदर से हो जाती है लिबेडो औरल एनल एंड पैलिक ये सारे हम डिस्कस करेंगे ये एनल ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि ये ड्रीम से रिलेटेड है लाइक ट्रांसफेरेंस प्रोजेक्शन फ्रिडियन स्लिप जो स्लिप ऑफ टोंग भी जैसे कहते हैं ड्रीम वर्क डिस्प्लेसमेंट ई टी सी साइको इनालिटिक क्रिटिक में अब ये साइको इनालिटिक क्रिटिक की बात की गई कि वो क्या क्या देखते हैं सी द टेक्सट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सिक्रेट रिफ्रेस लाइफ ऑफ इट्स ऑथर मतलब आपने ऑथर को देखना था कि ऑथर के जो रिप्रेस डिजायर्स है उसको उन वर्क में तलाश करना है जो उसने लिखा है तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत स्ट्रगल भी करनी होती है लाइक एक्सप्लेनिंग द टेक्सचुअल फीचर्स एज सिम्बॉलिक इंटरनल स्ट्रगल इन द राइटर लुक नॉट टू द ऑथर बट टू करेक्टर्स इन द टेक्सट अब आपने ऑथर को भी नहीं देखना मतलब ऑथर को इसलिए नहीं देखना क्योंकि ऑथर तो ऑबियसली आपने अगर वो एक समरी पढ़ी थी लाइक द डेथ ऑफ एन ऑथर जब कुछ रीडर रिस्पॉन्स थ्री में अगर वो हमने पढ़ी थी कि जैसे ही आप कुछ लिखते हो तो इट मीन्स नाव इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह जो है एक्सप्लोर एक्सप्रेस uh, करते हो या किस तरह डिस्क्राइब करते हो उस वर्क को सो so, ये सर भी यही बात की गई कि बट नॉट टू द ऑथर बट टू द करेक्टर्स इन द टेक्स्ट उस करेक्टर्स को देखो जो उस टेक्स्ट में मौजूद हैं अप्लाइंग द थरी टू एक्सप्लन देअर हडन मोटिवस कि उन टेक्सट मतल सॉरी उन करेक्टर्स को देखो कि उनके क्या हिडन मोटिव्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल मेकअप ये देखना होगा आपने लुक एट वेज इन विच स्पेसिफिक रीडर्स रिवील देअर ओन ऑब्सेशन डिज़ायर्स एंड एज़ दे रीड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट तो इसमें आपने ये भी देखना होता है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह आ जाती है कि जिसमें जो करैक्टर है वो अपने जो रिप्रेस uh, डिजायर्स uh, होते हैं उसको जो है रिवील करते हैं लाइक ऑबसेशंस डिज़ायर्स एंड अ पार्टिकुलर इन अ पार्टिकुलर टेक्स एंड दे रीड अ पार्टिकुलर टेक्स द माइंड ऑफ द ऑथर अगेन ऑथर के माइंड को डिस्कस करते हैं लाइक like, uh, तो यहाँ पे लाइक सिगमेंट फ्राइड का भी क्या, ये कहना है कि अगर कोई सप्रेस डिज़ायर्स है तो वो हमेशा के लिए सप्रेस नहीं रह सकती मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड उसे कहीं तरह से बाहर निकाल सकते हैं जैसे आर्ट ड्राइंग ड्रीम टेक्स्ट, जॉक्स स्लिप ऑफ टोंग जिसको फ्रीडियन टोंग भी कहा जाता है और फ्रॉड ने कहा है लाइक सेगमेंट फ्रॉड ने कहा है कि लिटरेचर और आर्ट में हिडन डिज़ायर ज़रूर होती है जितने भी लिटरेचर के वर्क्स हैं या आर्ट है उसमें हिडन डिज़ायर ज़रूर होती है। वो आपने देखने होते हैं और जैसे साइको एनालिटिक जो है फाइंड आउट करती है मतलब आप साइको एनालिटिक जो है उस वक्त बनते हैं और उसे फाइंड आउट करते हैं और सेगमेंट फ्राइड ने सेक्शुअल डिज़ायर्स को हमन साइकोलॉजी का प्राइमरी एलिमेंट कहा है और उसने उस चीज़ को लुबेडो का नाम दिए है और लुबेडो के उसने पांच स्टेजेस बताए हैं ये पांच स्टेजेस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें एनल स्टेज आता है पैलिक स्टेज आता है लेटेंट स्टेज आ जाता है पीरियड ऑफ स्टेज और इसके बाद जेनेटियल स्टेज तो ये इसके पांच स्टेजेस हैं फिर आपने जो करेक्टर्स हैं उनके माइंड को पढ़ना होता है मतलब उनको देखना होता है कि उनके क्या क्या जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया उनके आ, कुछ ऐसी जगह आ जाती है जो वो अपनी चीज़ों को रिवील करते हैं अपनी डिज़ायर्स को उसके बाद द माइंड ऑफ द ऑडियंस इवन जो ऑडियंस होती हैं उसके माइंड को भी आप जो है रीड आउट कर सकते हो लाइक सेगमेंट फ्रॉइड मेक्स रेफरेंसिस टू यूनिवर्सल एनजाइटीज़ एंड डिज़ायर दैट वी एज ह्यूमन बींगस ऑल इनिटली शेयर साइको एनालिटिक लिटरी क्रिटिसिजम कैन बी यूज एक्सप्लेन वाई सर्टन वर्क्स आर वेरी अपीलिंग टू अवॉइड ऑडियंस एज इट अपील्स टू द यूनिवर्सल अनकॉन्शियस माइंड तो इसमें भी यही बात की गई है कि जैसे आप कुछ भी देखते हों तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ पर मौजूद होती है जो रिप्रेस्ड होती हैं तो जब आप उन करेक्टर्स को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें तो मेरे अंदर भी हैं लेकिन उसके बावजूद जो है आप उन चीज़ों को रिवील नहीं कर सकते और ये फिर कौन रिवील करते हैं लाइक साइको एनालिटिक जो लिटरी क्रिटिक होते हैं वो कर लेते हैं फिर टेक्स्ट की बात की गई कोई भी टेक्स्ट है उसमें आपको ज़रूर जो हिडन डिजायर होते हैं या हिडन मोटिव्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मतलब किसी भी राइटर के किसी भी ऑथर के या किसी भी करेक्टर्स के जो उसमें करेक्टर्स होते हैं वो आप जो है एनालाइज करते हो